चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रतिमा के लिए रिज मैदान के दौलत सिंह पार्क को चिन्हित किया गया है। वहीं बैठक में संजौली मस्जिद विवाद में पानी खोलने पर एमसी कर्मचारियों पर दर्ज मामले को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि ये कानूनी मामला है और अगर आवश्यकता होगी तो सरकार पुलिस प्रशासन से इस मामले पर बात करेगी। ये भी हमारे पास मामला आया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगाने के बारे में। अरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर साहब ने उन्होंने दौलत सिंह पार्क के आसपास वहाँ ये गए हैं देखने के लिए और वो मुझे लगता है उसको हम वहाँ फाइनल कर लेंगे। ऊपर या नीचे कहीं पर भी वो वहाँ यशवंत सिंह परिवार या दौलत सिंह पार्क के आसपास वहाँ उन्होंने देखना है, वो उन्होंने 2-3 दफ़ा विजिट भी कर लिए।